गया पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने हत्याकांड मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, साथ ही गिरफ्तार लोगों के पास से हथियार भी बरामद किया गया है। इस संबंध में वरीय पुलिस अधीक्षक आदित्य कुमार ने बताया कि विगत 23 अक्टूबर की रात्रि जिले के सिंहघाटी थाना क्षेत्र के काजी मोहल्ला स्थित रूबी श्रृंगार दुकान के स्टाफ मोहम्मद तैयब आलम को अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद से पुलिस ने इस घटना को चुनौती के रूप में लिया था। इस मामले में सिटी SP राकेश कुमार के नेतृत्व में विशेष टीम का भी गठन किया गया था, जिसके बाद से पुलिस लगातार मामले की छानबीन कर रही थी। इस दौरान ये गुप्त सूचना मिली कि सिंहघाटी थाना क्षेत्र के हमजापुर गांव के समीप घटना में शामिल अपराधी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए इकट्ठा हुए हैं, जिसके बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए कई थाने की पुलिस द्वारा हमजापुर में छापेमारी की गई, जहां से फोटो खान और पंकज पासवान को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से हथियार भी बरामद किए गए हैं। उन्होंने कहा कि मौके से 3 अन्य अपराधी भागने में सफल रहे, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। गिरफ्तार दोनों अपराधियों की निशानदेही पर सिंहघाटी बाजार से ही मोहम्मद जिशान को भी गिरफ्तार किया गया है। मोहम्मद जिशान ने ही सुपारी लेने का कार्य किया था। पूछताछ के क्रम में अपराधियों के द्वारा ये जानकारी दी गई कि मृतक मोहम्मद तैयब आलम की पत्नी अपसा परवीन ने ही उक्त अपराधियों को अपने पति की हत्या के लिए सुपारी दी थी। अपसा परवीन की पूर्व में अपने एक प्रेमी से शादी हुई थी, इसके बाद उसने तैयब आलम से दूसरा विवाह किया था। अपसा परवीन ने अपने पति तैयब आलम की हत्या के लिए 2 लाख की सुपारी दी थी, जिसके बाद 80,000 रुपये एडवांस दिए गए थे, बाकी पैसा काम हो जाने के बाद देने की बात हुई थी। उन्होंने कहा कि उक्त अपराधियों के पास से पुलिस ने 2 देसी कट्टा, 5 जिंदा कारतूस व घटना में प्रयुक्त 3 मोबाइल को भी गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में मृतक की पत्नी अपसा परवीन को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बीडी न्यूज बिहार के लिए गया से आशीष कुमार की रिपोर्ट। 2021 को एक शाम को 8 बजे सिंहघाटी थाना के अंतर्गत एक काजी मोहल्ला में एक मर्डर हुआ था, जिसमें एक रूबी श्रृंगार के में एक काम करता था स्टाफ तैयब आलम करके, उसको गोली मारी गई थी। इसमें 681/21 एक केस दर्ज किया गया था 302 में। उसी के लिए हम लोग तभी से लगे हुए थे क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो थी वो मिसमैच आ रही थी। उसमें सिटी SP साहब और SDPO साहब ने काफ़ी गंभीरता से इसको लेते हुए तभी से लगातार लगे थे, मगर कोई लाभप्रद लीड नहीं मिल पा रही थी। फिर एक लीड मिली, जिसमें इन लोगों ने आगे काम करना शुरू किया। तो उसमें एक हमजापुर में 4 तारीख को ही इनको सूचना मिली कि कहीं पे कुछ लोग जो हैं कुछ बड़ी घटना करने के फिराक में हैं। वहाँ से इन लोगों ने लीड लेके जब उस पर पकड़ा उन लोगों को, तो 2 लोग पकड़े गए, एक पंकज पासवान और एक फोटू खान। ये 2 लोग पकड़े गए वहाँ से और उन्हीं से पूछताछ करी, क्योंकि पंकज पासवान पे पहले भी शक था। जब उससे पूछताछ की गई तो उन लोगों ने बताया पूरा कि कैसे क्या क्या किया है, इसको कैसे किस तरह से मारा था, गोली मारी थी। इसका सार ये है कि इसकी जो वाइफ है अफशा परवीन इससे 2009 में मृतक तैयब आलम ने शादी करी थी, लव मैरिज थी। इनके 2 बच्चे हैं अभी और इनका आपस में कुछ जो होता है नॉर्मली खटपट भी थी, परंतु इसका जो इलिसिट रिलेशन है जिशान नाम का एक व्यक्ति है उससे था। जिशान की उम्र 26 साल है, वो भी गिरफ्तार हुआ है। इसने उसको कहा उसको कि मार दो ताकि हम लोग आपस में फ्री हो जाएं। उन दोनों का पहले से इलिसिट रिलेशन था, इसीलिए उसने 2 लाख में बात हुई, जिसमें महिला ने अपने 1 लाख के गेवर जो है गिरवी रखे उसको 1 लाख रुपए दिए, 1 लाख रुपए ड्यू थे। जिशान ने ही सेटिंग करी इसकी आगे फोटो खान ये अरमान उल्लाक और एक पंकज पासवान से, और एक अन्य व्यक्ति और है जो अभी गिरफ्तार नहीं है, उसके लिए भी हम लोग लगे हुए हैं कि इसको मार दो। तो इसी क्रम में उसने मारा, और साथ ही साथ इसके अलावा 3-4 केसेस में पहले से भी वांटेड रहा है। फोटू खान जो है आदतन क्रिमिनल है, और पीछे कई सारी घटना जो बीच में लूट की और डकैती की जो NH पे हो रही थी उसमें भी इसका नाम था, पंकज पासवान का नाम था। और ये काफ़ी दिनों से आदतन क्रिमिनल है। इसने एक और मर्डर किया था गुरुआ में 8 फरवरी 2021 को, उसमें भी इसने कन्फेस किया है कि उसको मारा था। टोटल जो बात थी इन लोगों की, लगभग जो फोटो खान है वो पिछले 6 साल से हम लोग इससे फरार चल रहा था, और कई सारे हत्या के केस में भी ये वांटेड था, और एक गुरुआ का जो केस था उसमें भी ये वांटेड था पंकज पासवान। इनके पास से जो बरामद हुआ है 2 देसी कट्टे बरामद हुए हैं, 5 जिंदा गोली।